सेवेंथ सिक्स तक पढ़ चुके थे ना, तो सेवन का वन, हाँ बोला जाए डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, माना किस है, माना की एक्स एक्स वाला है, तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, यही ना है। तो चलिए दो के संभावित गुणनखंड, संभावित गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वन है, प्लस माइनस टू, बीच में भी होगा अगर जरूरत पड़ेगा तो देखेंगे। तो दो दो दुनी चार दुनी आठ, दुनी चार, तो चार हो जाएगा और आठ दो दस, हाँ ठीक है, एक्स इज इक्वल टू टू लेने पर, ठीक, देखिए पी टू, ठीक है, यहाँ पे देखिए दो का क्यूब माइनस दो गुणे दो का स्क्वायर माइनस दो, ठीक है, प्लस दो, यही ना है। दिस इम्प्लाइज दैट पी टू इज इक्वल टू, यहाँ देखिए दो दुनी चार दुनी, दो दुनी चार दुनी जोड़ दो, यही ना, तो ये देखिए माइनस में आठ प्लस में आठ माइनस में दो प्लस में दो, खत्म हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, पी टू बराबर जीरो हो गया। इसका मतलब क्या है कि एक्स बराबर दो है, नहीं, इसका मतलब कि एक्स बराबर दो है, तो एक्स बराबर दो है इसका मतलब क्या हुआ, एक्स माइनस दो जो है वो पी एक्स का एक गुणनखंड है। जब इसका एक गुणनखंड है तो भाग दे देंगे एक्स माइनस दो से, तो भाग दे दीजिए कितना में, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू से, तो एक्स स्क्वायर बार में एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, उड़ गया ना, तो बच गया माइनस एक्स प्लस टू। अब कितने बार में, प्लस माइनस वन बार में, माइनस वन बार में, तो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस टू, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी उड़ गया, तो हमारे पास क्या बचा, एक्स माइनस दो, और दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस वन। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस वन का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वन का मतलब होता है एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं ना, तो हो गया हमारे पास एक्स माइनस दो, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, दिस इज आर आंसर। इस आंसर को मिला लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, क्या कि कभी कभी, ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सात के दूसरे नंबर में, ठीक है, हालांकि गुणा करके भी मिलाया जा सकता है, यहाँ पे भी माना किसे लिखते हैं, ठीक है, सवाल से नहीं, माना की क्या पी एक्स ही वाला है, एक्स वाला है ना, है तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस थर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी टू एक्स प्लस ट्वेंटी
20, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 20 आया चर पद, तो 20 के संभावित गुणनखंड, गुणन 20 के संभावित गुणनखंड क्या क्या होंगे? हाँ, तो प्लस माइनस एक, प्लस माइनस दो, प्लस माइनस, हाँ हाँ हाँ, ये ना होगा है? तो इसमें से कुछ भी हम लोग रख सकते हैं, नहीं तो रख लीजिए, हम लोग रख लेते हैं 20 है ना, तो 20, तो अगर एक रखते हैं तो 13 और 32, 13 और 32 नहीं होगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या लेने पर हम लोग कर सकते हैं, तो 2 × 4 × 8, सब प्लस में, तो माइनस वाला ही लेंगे, जो भी लेंगे वो माइनस वाला लेंगे, तो ये माइनस 32 कर देगा, ये माइनस एक, माइनस 32 माइनस एक, माइनस 33 और माइनस एक का स्क्वायर, माइनस एक लेने पर, ठीक, माइनस एक लेने पर, क्या कि जब सारा प्लस में रहता है तो माइनस वाला लिया जाता है, ठीक है, प्लस वाला लेने की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि वो करेगा नहीं जीरो उसको, तो p इज इक्वल टू माइनस वन लेने पर, अब देखिए एक्स क्यूब है तो माइनस वन का क्यूब, ठीक, प्लस 13 इंटू माइनस वन का स्क्वायर, अब प्लस 32 इंटू माइनस वन, अब प्लस 20, अब देखिए ये तो माइनस वन ही रह जाएगा, तीन बार है तो इसलिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 13 हो जाएगा, ये माइनस 32 हो जाएगा, ये प्लस 20 हो जाएगा, तो ये दोनों मिलके माइनस 33 हो जाएगा, और ये दोनों मिलके प्लस 33 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए दिस इम्प्लाइज दैट पी माइनस वन, अब ये खत्म हो गया, जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू माइनस वन, और इसका मतलब क्या है कि x माइनस वन जो है वो px का एक गुणनखंड है, तो जब गुणनखंड है x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, अब x प्लस वन से भाग देंगे, x प्लस वन से भाग देने पर, नहीं एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, अब देखिए एक्स स्क्वायर कर देंगे तो एक्स क्यूब हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखिए ये माइनस, ये माइनस, ये खत्म हो गया, ये 12x स्क्वायर हो गया, नहीं ये 32x प्लस 20, अब क्या करिए कि यहाँ पे 12 ले आना है, तो 12 एक्स स्क्वायर लेना है तो एक्स, ठीक है, तो 12x स्क्वायर प्लस 12x, यहाँ पे देखिए ये माइनस, ये माइनस, ये तो खत्म हो गया, ये हो गया 20, अब 20 से तो 20x जोड़ 20, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, x प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, हमने पढ़ा है कि ऐसा दो खंड कर देते हैं जब सब प्लस रहता है, तो ऐसा दो खंड कर देते हैं जिससे जोड़ने पर बीच वाला आ जाए, और वही दोनों x के साथ रहेगा प्लस में, ठीक, जैसे 10 × 20 है, 10 और 2 12 हो जाएगा, तो x प्लस 10 x प्लस 2 नहीं,
तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टेन। ये तो हम बता चुके हैं पहले ही गुणनखंड में, नहीं कि जब प्लस में रहेगा सब तो हम क्या करेंगे कि इधर वाले का दो ऐसा खंड करेंगे जोड़ने पर 12 आ जाए, घटाने की तो बात ही नहीं है। और जब जोड़ने पर 12 आएगा तो वही दोनों को एक्स प्लस के साथ कर देंगे, एक्स के साथ प्लस कर देंगे, ठीक, अगर सब प्लस रहेगा तो ठीक। आइए तीसरा देखते हैं, माना कि, ठीक है बोलिए, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर, 23x स्क्वायर प्लस 142x प्लस 142x माइनस 120, यही है ना। चलिए देखा जाए तो 120 के संभावित गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, संभावित गुणनखंड प्लस माइनस वन, हाँ प्लस माइनस फोर, हाँ प्लस माइनस एट और फाइव, फाइव होगा सर होगा, हाँ प्लस माइनस एट, प्लस माइनस एट और सिक्स, सिक्स थ्री भी तो था, थ्री तो छोड़िए दिए, तब प्लस माइनस थ्री नहीं होगा, तीन चौका बारह नहीं होता है, हैं प्लस माइनस सिक्स प्लस माइनस एट प्लस माइनस टेन और प्लस माइनस ट्वेल्व, अब नहीं होगा, अब बस इसी को लौटाना पड़ेगा, नहीं आठ के पारा में कितने बार में है, 15 8 120 पंद्रह बार में, कितने बार में, 15 बार में, छः के पारा में कितने बार में है, 20 बार में, नहीं पाँच के पारा में कितने बार में है, 14 15 70 नहीं 14 बार में नहीं है, 24 बार में, कितनी बार में, हाँ उसके बाद चार के पारा में, हाँ 30 बार में, कितनी बार में, उसके बाद दो के पारा में 60 बार में और फिर एक के पारा में 120 बार, इतना है ठीक। उसमें से कोई एक हम लोग ले लेते हैं, अब कि चूंकि माइनस है तो हम लोग प्लस भी ले सकते हैं, तो एक हो जाएगा 142 हो जाएगा और 142 हो जाएगा, एक हो जाएगा 142 और एक 143 हो जाएगा, 143 उधर भी हो जाएगा, नहीं हाँ तो एक ले लेते हैं, x इज इक्वल टू वन लेने पर, ले लेते हैं x इज इक्वल टू वन लेने पर, ठीक तो p ऑफ वन इज इक्वल टू वन का क्यूब माइनस 23 इंटू वन का स्क्वायर प्लस 142 इंटू वन माइनस 120, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट p1 इज इक्वल टू, ये देखिए ये 1 हो गया, ये माइनस 23 रह गया, ये प्लस 142 हो गया, ये माइनस 120 हो गया, ठीक है। ये और ये मिला के 143 हो गया और ये और ये मिला के माइनस 143 हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक। ये 0 हो गया ना, इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, x माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो x माइनस वन क्या है, पी एक्स का एक गुणनखंड है। अब क्या करेंगे, भाग दे देंगे x माइनस वन से
भाग देंगे कितने में, एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, इसी में ना, तो एक्स स्क्वायर से दे दीजिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा ना, लेकिन किस में, माइनस में, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, प्लस 142x माइनस 120। अब क्या करना होगा, 22 लाना है, वो भी माइनस में लाना है, तो माइनस 22 से कर दीजिए, और एक्स स्क्वायर लाना है तो एक्स से कर दीजिए, तो माइनस 22 एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 22 एक्स, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, खत्म हो जाएगा, 22 घटा दीजिए तो 120 आ जाएगा, 120 एक्स प्लस में माइनस 120, 120 से कर दीजिए, 120 से कर दीजिए प्लस 120, 120 से कर दीजिएगा तो 120 एक्स माइनस 120, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, खत्म हो गया। तो हमारे पास क्या है, x माइनस 1 है पहले से, एक नया आ गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, ये आ गया। अब 120 का हिस्सा दो खंड कीजिए कि जोड़ने या घटाने पर माइनस में 22 आ जाए, गुणा करने पर 120 आ जाए, तो कैसे होगा, हैं? बारह दाई 120 नहीं होता है, हैं? 12 और 10 22 हो जाएगा, दोनों माइनस में रहेगा, हैं? तो जब माइनस में रहेगा तो दोनों माइनस में आएगा, तो x माइनस 1 x माइनस 10 x माइनस 12, दिस इज आर आंसर। तो इसको नोट कर लिया जाए, ठीक।